चीन में फैले कोरोना वायरस का असर अब भारत में भी देखने को मिल रहा है। एमपी के अलावा अन्य राज्यों में भी इसके मरीज पाए गए हैं। इसी को लेकर अब स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने कोरोना की रोकथाम के लिए टोल फ्री नंबर 104 जारी किया है। देखिए खास रिपोर्ट। चीन में फैले कोरोना वायरस का असर भारत में देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार भी अब सतर्क हो गई है। प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य महकमे को इस जानलेवा वायरस के प्रति अलर्ट जारी कर दिया है। सभी जिलों को इससे निपटने के लिए तैयार रहने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसी को लेकर सोमवार को स्वास्थ्य मंत्री तुलसीराम सिलावट ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इससे घबराने की बजाय सावधानी बरतने की आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने बताया कि सरकार इसके रोकथाम के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां कर रही है। संभाग आयुक्त से लेकर कलेक्टर से लेकर सिविल अस्पताल, जिला अस्पताल, हर स्तर पर अलग से वार्ड बना दिए गए हैं। पूरे मध्य प्रदेश को अलर्ट कर दिया गया है। कोरोना वायरस एक चुनौती है। सम्माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने भी मध्य प्रदेश की प्रदेशवासियों से अनुरोध किया है, ये छूट की बीमारी है, चीन से ये जो वायरस आया है इसको घबराने की आवश्यकता नहीं है, डर की आवश्यकता नहीं है, पर इसकी सावधानी बरतने की आवश्यकता है, जागरूकता की आवश्यकता है, हमको एक सजग रहने की आवश्यकता है। उसके इस खांसी से, बुखार से, सर्दी से, बीमारी से हम एक दूसरे से ना मिलें ये बेहतर है, ना गले मिलें ये बेहतर है, रुमाल साथ में रखें, सफाई हाथ और साबुन से हाथ धोएं, ये सावधानी बरतने की आवश्यकता है। हमारी पूरी तैयारी है और तैयारी भी युद्ध स्तर पर है। कहीं भी आपको ऐसा आपके संज्ञान में लगता है, किसी भी आपके भी कोई मरीज आपको मिले तो आप मुझे सीधे सीधे मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री को खबर करें, जो टोल नंबर दिया है उस पर खबर करें और आप टोल नंबर करें, चेक करें। मैंने कहा ना, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, हर व्यक्ति की साझेदारी है, हर व्यक्ति को सजग और जागरूक रहना पड़ेगा और जनता से ज़्यादा मुझे आपकी आवश्यकता है, मुझे आपका सहयोग है, सहयोग चाहिए, मुझे आपका समन्वय चाहिए, क्योंकि इस गंभीर बीमारी में जब तक आप मेरे साथ नहीं होंगे, जब तक कि मध्य प्रदेश और देश का जो प्रजातंत्र में चौथा स्तंभ है, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, दोनों का सहयोग में आम जनता के हित में, आम जनता के नागरिकों की जान और माल की रक्षा का। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री सिलावट ने बताया कि इंदौर का इतिहास गौरवपूर्ण है और इसने देश को कई बहुमूल्य रत्न दिए हैं। इंदौर जिस प्रकार से देश का हृदय स्थल मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश का हृदय इंदौर है, सारे रिकॉर्ड वहाँ टूटते हैं, चाहे स्वच्छता का हो, आपको पता है उद्योग की नगरी, कला की नगरी, संस्कृति की नगरी, शिक्षा की नगरी, स्वास्थ्य की नगरी। अब आपको पता है कि जो देश ने विश्व की लता मंगेशकर जी हैं वो इंदौर की हैं, किशोर कुमार जी निमाड़ खंडवा के हैं, भाई जैसे खेल में मुश्ताक अली जी कहाँ के हैं, इंदौर के हैं, हॉकी में देख लो शंकर लक्ष्मण जी पद्मश्री कहाँ के, इंदौर के। इंदौर का एक अपना इतिहास है, बहुत बड़ा गौरव की बात है। मध्य प्रदेश की जनता और इंदौर की जनता इस अवार्ड को, इसको गौरव समझती है कि अच्छा संदेश जाएगा, हम इसका स्वागत करें। इंदौर आपके सहयोग से, आपकी भावनाओं से, आपके समर्पण का भी मैं कहता हूँ मैं आपका आभारी हूँ कि इंदौर देश में नंबर वन, प्रदेश में नंबर वन और एक प्रेरणा बने हर चीज में। पूरा मध्य प्रदेश इंदौर से समन्वय और सामंजस्य कर इंदौर जैसा वातावरण पूरे मध्य प्रदेश में हम गौरव महसूस कर रहे हैं, पूरा मध्य प्रदेश भी देश में नंबर वन बने, ये ईश्वर से मेरी प्रार्थना। बता दें कि चीन में कोरोना वायरस से 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है जबकि हजारों लोग संक्रमित बताए जाते हैं। चीन में वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है जिससे पूरी दुनिया में दहशत का माहौल है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।